हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो ये एक टिप आप सबके लिए, कॉमन टिप। आप लोग रियली सॉरी, मैं बहुत वीडियोस आपने नहीं बना पा रहा, बट इट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट्स एंड हाउ ट्रैकिंग केयरफुली कैन हेल्प यू। तो देखिए, एमसीसी का एज ऑफ नाउ लास्ट डे रिपोर्टिंग 27th को है। हरियाणा की शुरू में 27th थी, पर बढ़ा के 29th कर दी गई है। यूपी का रिजल्ट 28th को आ रहा है, हिमाचल का 28th को आ रहा है, उत्तराखंड का 27th को आ रहा है, पंजाब का कल आ गया है, बिहार का कल आ रहा है, बंगाल का कल आ गया है। तो 28th को भी और 27-28 के बीच में बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। केरल का भी आ जाने वाला है, कर्नाटका का तो आ चुका। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। तो पहले मैंने अपने क्लाइंट्स को टिप दी थी आपको, तो मैंने कहा कि मैं अपने ग्रुप में डालता रहता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स का ग्रुप है। तो लेट्स से कि आप में से किसी को हरियाणा मिला है, लेकिन आपका ड्रीम उत्तराखंड का कॉलेज है या हिमाचल का सोलन है, तो बजाय कि जल्दबाजी करने की और हरियाणा की आधी फीस पहले देने की ऑनलाइन, वो भी वापस मिल जाएगी। देखिए, यू कैन ऑलवेज रिजाइन आफ्टर राउंड टू मोस्टली इन इंडिया अदर देन बिहार और कपल ऑफ अदर स्पेसिफिक प्लेसेस। लेकिन हरियाणा में जो आप राउंड टू में सीट लेंगे वो छोड़ सकते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ही नहीं। बट उससे पहले भी 28 को रिजल्ट आ रहा है, इंटरनेट बैंकिंग से फीस जमा होती है, क्रेडिट कार्ड से होती है, डेबिट कार्ड से होती है। तो अगर आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं और नहीं है तो सीख लीजिए, बना के रखिए। तो फिर आप खाम खाम में हरियाणा में अपने पैसे ना फंसा के 28 का रिजल्ट देख लीजिए, ताकि यू कैन हैव अ चॉइस कि जो अभी आपका परफेक्ट ड्रीम कॉलेज है वहाँ पर जाइए। ओके, सो बहुत छोटा सा वीडियो आपके लिए यही था कि कैसे डेट्स का रोल होता है। और मैंने तो अपने एमसीसी के भी सभी क्लाइंट्स को बोला है कि भाई, कई बार ऐसे होता है कि एक दिन के लिए भी खिसक जाती है रिपोर्टिंग। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने 23 से 24 को ही करनी है। आई हैव एक्चुअली टोल्ड मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स टू रिपोर्ट ऑन 26 और 27, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कि आज अगर एमसीसी का डिले होना है तो आज नोटिस आ जाएगा। और अक्सर बोला एक आध दिन, क्योंकि पीछे से सब लेट चल रहा था, वैसे अब तो टाइम से चल रहा है जब से रिवाइज शेड्यूल आया, बट एक आध दिन हमेशा एक्सटेंशन मिल जाती है। तो अगर वो एक आध दिन भी एक्सटेंशन मिल जाए तो पता चले कि वो 27 का 28 भी अगर हो गया तो आप बाकी सारे रिजल्ट देख सकते हैं। या स्पेशली कुछ हमारे उत्तराखंड के लोग थे जिनका 27 को रिजल्ट आना है, या पंजाब का जैसे कल आ गया है, तो आप उसके हिसाब से अपना एक ऑप्टिमल डिसीजन ले सकते हो। ये मेरा हमेशा पर्पस होता है कि टेक योर ऑप्टिमल सीट, नॉट एनीथिंग इन हरी। ओके, सो स्पेशली हरियाणा गए जो 2 दिन लेट हुआ तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया, फ़ायदा हो गया। तो जिनको हरियाणा मिला है, राजस्थान का भी आएगा कल, मैं उसका नाम लेना भूल गया था। तो 27-28 बहुत एक्शन का दिन है, बहुत सारे रिजल्ट आने हैं। और वो रिजल्ट आने हैं जहाँ मास एडमिशन्स होते हैं, केरल वगैरह में तो आपको पता ही है, वो तो 600 प्लस में ही एडमिशन्स हैं। तो ठीक है, यही था बस आपके लिए बहुत छोटा सा वीडियो कि लुक एट द डेट्स, ट्रैक द डेट्स। एंड मैं हमेशा कहता हूँ अपनी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह तैयार रखिए, तो फिर आप आखिरी मोमेंट में मत दीजिए, बट आखिरी दिन का तो इंतज़ार हम आराम से कर सकते हैं। और सिस्टम से बहुत अच्छा हो गया, मैं भी अपने कई क्लाइंट्स हमारे जो खुद नहीं कर पाते मैं करता हूँ, तो बहुत आराम से 8-10 लाख रुपये ट्रांसफ़र होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं रह गई है। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो अगर आप चाहें कि दूसरे लोग भी देखें और उनको भी समझ में आए तो लाइक या शेयर कीजिए। उसी तरह से ये डेट्स जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब ये राउंड टू की रिपोर्टिंग चल रही है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और कुछ और मेरे को समय मिलेगा तो आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं बना बना के आपको देता रहूँगा। बाय बाय।